चिकन नहीं, जंगली कुक्कड़ है हमारे लिए तो, पंजाबियों में तो। आ हा हा, मुझे क्या कहने भाई, लाजवाब भाई। लाजवाब, मज़ा आ गया भाई। ये तो हो गया हमारा पंजाबी स्टाइल। अब ये था तो सोफिस्टिकेटेड वाले लोग जो होते हैं ना, उनकी तरह खाते तो। हाँ, मज़ा आ गया भाई, क्या कहने है भाई, लाजवाब। हम काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और हमें जो मेरा सबसे फेवरेट है वो जंगली मुर्ग है। अच्छा, जो शेफ़ की स्पेशलिटी है वो मतलब इतना अच्छा फील कराता है आपको, लगेगा खा के कि बस वाओ शब्द के अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं होते। सर्विस वाज वेरी गुड, और जितने भी यहाँ पे आते हैं हमें सर्व करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और आई थिंक शायद ही ऐसा कोई होगा जिन्हें मैं बाई नेम नहीं जानता हूँ, आई नो हिम वेरी वेल, ही वॉज वेरी गुड। और आप खाने के बाद ये ज़रूर बोलेंगे कि मुझे दोबारा खाना चाहिए। अच्छा, आई थिंक इट्स 3 to 4 years आई एम रेगुलरली कमिंग फ्रॉम हियर, और वीकली मैं 2 बार तो आई जाता हूँ। सर्विस तो आप कैसा लगा सर? सर्विस आपको यहाँ पे पर्सनलाइज सर्विस टाइप का लगेगा। अच्छा, जो यहाँ का स्टाफ है वो है कि आपको पर्सनलाइज सर्विस देता है। नमस्कार, आज हम उस जगह पे आए हुए, उस रेस्टोरेंट पे आए हुए नोएडा के, जिसका खाना तो लाजवाब है ही है, साथ साथ में उसका एम्बियंस भी काफ़ी लाजवाब है। अब आप सोच रहे होंगे किस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं उस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ जिसका नाम ही काफ़ी है उस रेस्टोरेंट के लिए, और वो है मोती महल डीलक्स। जी हाँ, डीलक्स। अब मोती महल डीलक्स लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ तो स्पेशल होगा ही होगा, तो अंदर तो आपको लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, साथ साथ में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आज स्पेशलिटी क्या क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोती महल डीलक्स का एक बैनर लगा हुआ है, और यहाँ पे 1-on-1 drinks and 20% off on food। तो आप सोच सकते हैं कि मोती महल जो है किस प्रकार से अपने कस्टमर्स का ख्याल भी रख रहा है। क्वालिटी भी तो है ही है, साथ साथ में क्वांटिटी भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आने के लिए आपको कहाँ से आना पड़ेगा। अगर आप समझ सकते 63 मेट्रो पे है, तो वहाँ से आपको 2 या 3 मिनट का वॉक है, और सिर्फ वहाँ से आने के बाद जिंजर होटल के ठीक सामने ये मोती महल डीलक्स है। अब इतना दूर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो किसी भी पूछ ले, सेक्टर 63 का महिंद्रा शोरूम का है, उसके ऊपर ही है ये। इसमें आपको यहाँ पे जो है काफ़ी एम्पल स्पेस कार पार्किंग का आपको मिल जाएगा। आप चाहे 100 गाड़ी आ जाए, आपको आराम से पार्किंग की स्पेस मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे MRP डेज है भी है यहाँ पर नोएडा पे, जो भी कॉरपोरेट वाले हैं ये उन लोगों के लिए है। सैटरडे संडे आ जाए, दारू पिए, मस्त चिल मारे और अपना घर जाए, तो ये उन लोगों के लिए है, और ये सिर्फ सैटरडे संडे को है। तो ये मैंने अपने हाथ को सैनिटाइज कर दिया हुआ है, और ये मेरा हो गया, ये मेरा बॉडी टेम्परेचर चेक भी हो जाएगा, नॉर्मल है भाई, क्या करें, मजबूरी है। तो आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है। तो अभी आपने नीचे देखा है आपको मैं बता रहा था ना कि डीलक्स नाम है रेस्टोरेंट का, रोड मोती महल डीलक्स। तो आपने नीचे डीलक्स दिखाया, अब मैं आपको बता डीलक्स किस प्रकार से। जैसे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है छोटा सा एक यूनो डेकोरेशन के तौर पे यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावरिंग गार्डनिंग किया हुआ है, वॉल गार्डनिंग इसको कहते हैं। सॉफ्ट सा म्यूज़िक है यहाँ पे, लाइटिंग भी काफ़ी बढ़िया है, जो है देख सकते हो यहाँ पे चेयर्स जो रखे हुए वो भी काफ़ी मतलब सॉफ्ट कुशन्स के, शांति से आप बैठो, खाना वाना खाओ, म्यूज़िक सॉफ्ट है, लाइटिंग सॉफ्ट है, ठीक है। हर टेबल में आपको जो है पानी वानी मिलेगा, सैनिटाइजर्स मिलेंगे, साफ़ सुथरे टेबल, हर प्लेस को यहाँ सैनिटाइज करके रखा हुआ है इन्होंने। तो जैसे कि आप देख सकते हो उधर वहाँ पे जो है, आप अगर आप IPL लगते का सीजन चलता रहता है यहाँ पे, क्रिकेट मैच हो सब कुछ, तो वहाँ पे जो है आपके लिए प्रोजेक्टर लगा हुआ है, मैच प्रोजेक्टर चालू करेंगे तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो है प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने स्क्रीन भी लगा हुआ है ताकि आप मैच वैच देख सको, IPL का सीज़न चल रहा है, क्रिकेट मैच हो सब कुछ देखना चाहो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और अगर आपका मूड अगर बन गया थोड़ा सा कुछ और ड्रिंक्स विंक्स लेने का, तो उसका इंतजाम भी इन्होंने पूरी तरीके से किया हुआ है यहाँ पे। हर टाइप का आपको ड्रिंक विंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आइए मैच का आनंद लीजिए, साथ में 2 ड्रिंक ले लीजिए। तो ड्रिंक्स विंक्स का तो आपका इंतजाम पूरा है ही है, जो भी ड्रिंक्स चाहिए आनंद लीजिए। ये ड्रिंक्स उन लोग के लिए जो बोलते हैं ना ऑफिस से थक हार के जब आते हैं लोग, तो इन्होंने ऐसे ऐसे ऑफर्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं जिसके कारण आप ना चाहते हुए भी आपको ऑफर्स खींचे चली जाएगी, क्योंकि ऑफिस आपको खींच लेते हैं यहाँ पे, वो ऑफर यहाँ पर दे रखे हुए हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए है, ठीक है। सैटरडे संडे जो है बियर जो है कॉस्ट टू कॉस्ट सबको मिल जाता है, मैच का आनंद लीजिए, बियर पीजिए, और क्या चाहिए भाई, मज्जा नहीं लाइफ बोलते हैं ना उसको। तो ये था इनका फर्स्ट फ्लोर।
अब इनका एक और फ्लोर भी है टेरेस गार्डन वाला, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से इन्होंने डीलक्स पूरा नाम डीलक्स जो लिया है ना, इन्होंने अपने नाम पे खड़े उतरे मोती महल डीलक्स। अब आए हैं हम उनके जो है गार्डन फ्लोर पे, जो टेरेस बोलते हैं ना टेरेस, गार्डन टेरेस रेस्टोरेंट। इन्होंने एक गार्डन टेरेस रेस्टोरेंट सा भी बनाया हुआ है, थोड़ा आर्टिफिशियल नीचे इन्होंने मैट बिछाया हुआ है, ग्रास मैट, और यहाँ पे थोड़े बहुत टेबल्स रखे हुए जिनको ओपन एयर में ड्रिंक्स लेने का स्वाद मजा लेना है वो भी यहाँ ले सकते हैं। सब प्रकार का देखो डेकोरेशन, वॉल डेकोरेशन उन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, तो आप अपना चाहे यहाँ पे ड्रिंक्स कर सकते हो, स्मोक कर सकते हो, यहाँ पे ओपन है, कोई टेंशन नहीं है और कोई कंप्लेन करने वाला भी नहीं है। तो मैनेजर साहब एक बात बताई है, जो अपने रेस्टोरेंट में अपने सबको दे रखा है यहाँ पे एमिनिटीज, आप आए अपना टाइम दिया हमें, थैंक यू। हमारे पास स्पेशलिटी है सारी चीज़ें, मल्टीपल डिलक्स सिग्नेचर डिशेज के लिए ज़्यादा आता है यहाँ पे। आप देखेंगे बटर चिकन है, चिकन पनीर मखनी है, दाल मखनी है, ये मोतीमहल की खुद की सिग्नेचर डिश है, इन्हें मोतीमहल में ही आप पाएंगे। अगर आप खाने के शौकीन हैं, पीने के भी शौकीन हैं, और कॉरपोरेट एरिया है पूरा 63 का, और यहाँ रेजिडेंस भी लोग आते हैं, हमारे पास अच्छा खासा क्राउड होता है, दिन में भी होता है शाम को भी होता है। स्पेशली हमने इस टाइम पे आपको बुलाया कि आपका भी काम हो जाए, आप बढ़िया तरीके से वीडियो शूट कर सकें, सारी चीज़ें हम आपको कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, तो एक बेस्ट टाइम है ये, हमने आपको अपना ये टाइम दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास, अभी लाइव IPL भी आ रहा है, आप देखोगे अच्छा प्रोजेक्टर भी है हमारे पास, जिस पर आप लाइव स्ट्रीमिंग ले सकते हो बियर के साथ, स्टार्टर्स के साथ। अभी सीरीज भी चली है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो, खाने के भी शौकीन हो, तो मोती महल से अच्छा बेस्ट प्लेस मेरे को नहीं लगता कोई आसपास है आपके पास। आपको आना चाहिए, खाना टेस्ट करना चाहिए स्टार्टर्स में, मैन कोर्स में अच्छी डील है हमारे पास, कॉर्पोरेट भी आता है, फैमिली भी आती है। और नियर बाई आपके देखेंगे इंदिरापुरम है, वैशाली है, आप नोएडा है, पूरा हब है कॉर्पोरेट। तो मतलब आपने पूरा सेंट्रल हब में अपने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जी सर, प्राइम लोकेशन जिसको कहते हैं ना, प्राइम लोकेशन, उस लोकेशन पे मेट्रो स्टेशन भी पास में ही है, जिसको मेट्रो से आना वो पास में, मेन रोड से लग के ये रेस्टोरेंट है जी सर, वही है ना जी सर, एकदम क्या बोलते हैं टॉप क्लास एरिया में आपने, टॉप क्लास एरिया है सर जी सर, राइट। और कोई टेंशन भी नहीं है किसी के, रात के टाइम पे आ सकते, कोई टेंशन नहीं है सर। अब आप लोग सोचते हैं कि दिन का टाइम है भाई, गर्मी का मौसम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप दिन के टाइम पे भी आइए, दोपहर के टाइम पे, मैं खुद दोपहर के टाइम पे आया हूँ, यहाँ पे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पे पूरा शैडो, धूप तो गिर ही रहा है साथ में शैडो भी है, तो थोड़ा ठंडी हवा भी चल रही है, शांति का मौसम भी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नाइट टाइम पे भी आ जाए, तो यहाँ पे जो लाइटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको इसका कल रात को भी यहाँ पर मैं आया था, और मैं इसका रात का वीडियो भी आपको शेयर कर रहा हूँ, अभी वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पे आप मेट्रो भी आपको चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, पास ही में आपका मेट्रो स्टेशन भी है, यहाँ से मेट्रो भी आपको चलते हुए दिखाई देगा, यहाँ पे आप रेस्टोरेंट से मस्त से खाना भी खा सकते हो। और यहाँ पे जो छोटा मोटा जो टेरिस गार्डन इन्होंने बनाया है, ये भी आपको अच्छा सा माहौल देगा, आपको ड्रिंक्स करना, स्मोक करना, जो भी आप खुले में कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगा यहाँ पे आपको, तो एकदम शांति से बैठ के मज्जा नहीं लाइफ बोलते हैं ना, खाना वाना खाओ, ऐश की दिन का थकान यहाँ उतारो और घर पे जाओ, आराम से सो जाओ। हाँ जी, ओ भाई साहब, आज हम आ गए मोती महल के रेस्टोरेंट के किचन में, तो अभी आप उनसे शेफ की आवाज़ सुनी कि आज बटर चिकन बना रहे हैं और पनीर लबाबदार हमारे लिए, तो आइए जानते हैं कैसा बनाते हैं बटर चिकन और पनीर लबाबदार, और देखते कितना प्यार से खाना बनाते हैं सबके लिए, और जो क्वालिटी है और कितना मेंटेन कर रखा हुआ है। सर जी, ये आप क्या डाल रहे हैं? ये हम डाले पहले जीरा, जीरा तेल, तेल गर्म हो गया, हाँ हाँ, जीरा डाल रहे हैं, अच्छा जीरा गर्म हो गया, इसको डालेंगे चॉप चिली, चॉप हरी मिर्ची, चॉप हरी मिर्ची, हाँ जी बहुत बढ़िया, अभी डालेंगे हम जी चॉप शिमला मिर्च, ओके अच्छा, टमाटर ग्रेवी, अच्छा ठीक है, चौ मसाला, ये जी चौ मसाला, प्याज टमाटर चौ मसाला है, अच्छा अच्छा, ठीक है जी,
इतना अभी बड़े प्यार से शांति से बना रहे हैं, इसका क्या मतलब? रेस्टोरेंट में लोग देखते हैं हमेशा जो खाए जाए में सब खाना बनाते रहते हैं। सर जब खाना बनाते हैं आराम से प्यार से प्रॉपर ढंग से कुक करके। अच्छा, जिससे खाना टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा, खाना प्रॉपर पक जाता है पूरा। ये अभी आपने नमक डाल दिया? ये नमक डाल दिए, डाल दिए जीरा पाउडर। और जीरा पाउडर? जीरा पाउडर, हाँ जी। अच्छा, ये डाल दिया इसमें थोड़ा लाल मिर्ची। अच्छा, लाल मिर्ची, हाँ जी। सर जी कड़छी हटा, कड़छी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, थोड़े से ऐड करेंगे हम बेज ग्रेवी। कौन सी ग्रेवी? बेज ग्रेवी, ये है। ठीक है, प्याज और काजू मगज ग्रेवी। अच्छा, प्याज और काजू मगज की ग्रेवी। हाँ जी, ये है बेज ग्रेवी। अच्छा, अपनी गैस फुल कर दिया अभी। हाँ जी, प्रॉपर तरीके से एकदम प्यार से कुक कर रहे हैं। हाँ जी, ताकि कुक भी हो जाए खाना और स्वादिष्ट भी बने। अच्छा, उसको टेस्ट भी आ जाए। अच्छा, तो ये आपकी स्पेशलिटी है, आराम से करना और बढ़िया कुक करना। हाँ जी, तभी यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट रहता है। अभी इसमें ऐड करेंगे हम बटर। अच्छा, तो ये आपने बटर ऐड कर दिया? अमूल बटर है ये। अमूल का बटर? हाँ जी। नॉर्मल रेस्टोरेंट में लोग पूछते हैं जो कंपनी है, हम अमूल बटर यूज करते हैं, अमूल क्रीम यूज करते हैं। अच्छा, मतलब फुल खाना ब्रांड यूज कर रहे हैं? हाँ जी, कोई हल्का क्वालिटी नहीं है? नहीं जी, यहाँ पे आपने सुना पूरा ब्रांड, सब चीज़ ब्रांडेड चीज़ें यहाँ यूज़ कर रहे हैं, कोई हल्के क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। अभी ऐड करेंगे पनीर। अच्छा, पनीर अभी आप ऐड कर रहे हैं? हाँ जी। तो ये आपने पनीर जो है, पनीर अभी ऐड करने वाले हैं। ये आपने पनीर मेरी मुझे पक गई है। अच्छा, ऐड करते हैं, मतलब प्रॉपर कुक भी हो जाएगा, बढ़िया सा कुक भी रहेगा और जो बटर टेस्ट है अमूल का वो भी आ जाएगा क्वालिटी रहकर। इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया का, हाँ हाँ, मजा आ गया। आपका फ्लेवर बढ़ाएगा? हाँ, फ्लेवर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इससे मतलब आपका टेस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, टेस्ट। इसमें लास्ट में ऐड करेंगे हम क्रीम, अमूल क्रीम। ओ, अमूल क्रीम। हाँ जी, भाई पूरा कड़छी भर के डाल दिया। हाँ जी, अभी यहाँ पे जो स्वाद मिलता है यहाँ पे खाने का, क्वालिटी आपने पूरा मेंटेन कर रखा हुआ है। हाँ जी, अभी आपने हमारे लिए पनीर लबाबदार तो बना दिया, अब आपका क्या दूसरा स्पेशलिटी डिश है यहाँ की? अभी फेमस जो डिश है यहाँ की, फेमस हमारे साथ बटर चिकन। अच्छा, बटर चिकन। हाँ, बटर चिकन तो हर जगह बनता है, यहाँ क्या कैसा करते हैं? यहाँ का बनाते हैं, बिल्कुल आराम से बनाते हैं, स्लो फायर में स्लो आंच बनाते हैं, उसमें थोड़ा प्यार डालते हैं। अच्छा जी, ठीक है सर जी। तो ये है यहाँ की स्पेशलिटी बटर चिकन, बड़े प्यार से बनाते हैं ये। तो ये आपने देते ऐड करेंगे अमूल बटर। अच्छा, मक्खन, अमूल बटर, मक्खन। बटर चिकन में बटर ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी सर जी इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर। अच्छा, ये चिल्ली पाउडर, ये देगी मिर्च। अच्छा, देगी मिर्च, ये आपका टेस्ट बढ़ाता है और खाने में कलर आता है। ठीक है, लाल कलर दे। ये टमाटर प्यूरी, टमाटर, हाँ टमाटर प्यूरी। ये तो आप बड़े प्यार से कुक कर रहे हैं, स्लो कुक बोलते हैं ना, जिससे तभी तो खाने में जाता है, तभी खाने में मजा आता है यहाँ पे जो इतना स्लो पका होता है खाने में, इसी के कारण होती है इतना स्लो पका होता है खाने में टेस्ट आता है। अच्छा, और इसमें डाल हमने ऐड कर दिया सॉल्ट। अच्छा, डाल दिया थोड़ा गर्म मसाला। ये कस्तूरी मेथी, अभी सर जी इसमें ऐड करेंगे हम चिकन। ओके, तंदूरी चिकन, ये हाफ डन और का है तंदूरी में। अच्छा, ये हाफ डन तंदूरी चिकन है? हाँ जी, हाफ डन और का है तंदूरी। अच्छा,
क्या कहने, तंदूरी चिकन हाफ डन और साथ में बटर चिकन, बटर चिकन स्वाद ही अलग होता है इसका तो, बटर चिकन का तो फेवरेट डिश होता है यहाँ का। आज आगे यहाँ की फेवरेट डिश है। अच्छा, स्पेशलिटी भी और फेवरेट भी। हाँ, आप इतना स्लो कुक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ के और भी खुल के आ जाता है। अरे क्या मज़ेदार, क्या कहने भाई, किसे कहते हैं भाई, प्रॉपर कुकिंग का खाना और क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करना यहाँ पे जरूर आइए। तो सर थोड़ा कलर कम आए तो ऐड करेंगे, थोड़ा कश्मीरी चिल्ली। अच्छा, ये आपका कलर बनाते हैं, अच्छा कलर बनाती है, कलर में भी अच्छा लगता है ये। अभी डालेंगे बटर। अच्छा, अभी आप बटर ऐड कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, बहुत बटर चिकन में बटर मज़ा आना है इसका स्वाद, मतलब बटर तो आप ऐसा डाल दो जैसे कि पता नहीं सर इसके सर सर टेस्ट ही बटर का है। हाँ, सारा टेस्ट तो बटर, नाम ही बटर चिकन है तो फिर बटर तो होना ही चाहिए इसमें, तो नाम ही बटर चिकन है। तो ये लगभग एक डिश बनाने में कितना टाइम जाएगा सर? एक डिश बनाने में प्रॉपर टाइम लगता है 10 मिनट, क्योंकि हम आला बगैर स्लो पा रहे हैं बटर चिकन में, आप सब 15 मिनट कुक करते हैं उसे फिर हम गरी पकाते हैं, गरी हमारे मोस्टली वैसे रेडी होती है, पर इसमें प्रॉपर तो सर जी हमारे ये बटर चिकन रेडी हो गया। अच्छा, इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें क्रीम ऐड करेंगे, तो ये आपने डाल दिया क्रीम। हाँ जी, ओ कड़ची भर के क्रीम, तो आप इतना ये लोड करके डाल लेते हो लोडेड चीज़ें, बटर भी क्रीम भी, हाँ से मतलब आपने बन जाता है एक डिश ऐसे, तभी सर टेस्ट आता है खाने का। हाँ, तभी तो खाने में नहीं सर, क्रीम बटर सब कुछ, बटर चिकन है उसमें बटर ना हो तो फिर टेस्ट ही नहीं बन जाता उसमें। तो ये हो गया आपका तैयार। हाँ सर, हमारा तैयार हो गया बटर चिकन, अब इसे आप प्लेटिंग कर रहे हैं, उसको डालेंगे इसमें एक डाला हमने बटर चिकन और ये इसकी प्लेटिंग शुरू कर दी उन्होंने। हाय हाय हाय, चिकन के पीस भी देखो, प्रॉपर चिकन के पीस लिए हुए आपने, तो मतलब कोई यहाँ पे जो नॉर्मल या रेस्टोरेंट पे जाओ जो चिकन के जो पीसेज होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। प्रॉपर चिकन, अच्छा मतलब प्रॉपर चिकन देखो, हाय हाय ग्रेवी देखो भाई, ग्रेवी देखो, यहाँ पे जो मेन होता है चिकन और ग्रेवी का मेन होता है कॉम्बिनेशन है बटर चिकन में। हाँ 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 हाँ, तो ये गार्निशिंग। अच्छा, इसमें डालेंगे हम क्रीम। ओहो, क्रीम भाई कितना भाई, अब एक टाइम पे बनने के बाद जब खाने समय लोगों को लगता नहीं कि इतना चीज़ें बढ़ जाती है, और जब बनते हुए देखते हैं लोग तो बोलते हैं भाई बहुत हो गया। डालेंगे अमूल बटर। ओहो, और ये इसमें ऐड करें जिंजर। जिंजर, हाय हाय मज़ा आ गया भाई, स्वाद ही आ गया भाई इसका, तो इसका स्वाद ही कुछ और होगा ना जी, आपने इतना प्यार से कुक किया हुआ है, स्लो एंड स्टडी बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कुक किया हुआ है आपने पहले से जिंजर गार्लिक पेस्ट से। तो ये आप क्या बना क्या रहे? ये बनना है जंगली मोर, ये पहले से हमने मैगनेट किया है 10 मिनट पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ की स्पेशलिटी डिश है जी सर तंदूरी है। हाँ जी तंदूरी है, यहाँ हम डालेंगे भुना हुआ बेसन, जो पहले से भून रखा है बेसन। बेसन जी, जो ये तंदूर का मेन होता है वैसे। अब इसमें करेंगे हम ग्रीन चिल्ली ऐड, थोड़ा थोड़ा कोलियंडर, ये हमारा मिल्ट का पेस्ट। क्या ये मिल्ट पेस्ट? मिल्ट पेस्ट जी, इसमें पालक और मिल्ट पिसा हुआ है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है ये? जी ये ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट जी, बाकी थोड़ा जो मसाला है तंदूर का मस्टर्ड जी, ये
बटर यूज करेंगे अमूल का। इसके बाद 10 मिनट हम इसे ऐसे छोड़ेंगे मैरिनेट पे ताकि मसाला अपना वो करे। तो ये आपने डाल दिया अभी इसको रोस्ट करने के लिए। अच्छा 10 मिनट लगेंगे इसको। अच्छा उसको जंगली चिकन। भाई जंगली चिकन नहीं, जंगली कुकड़ है हमारे लिए तो पंजाबियों में तो। आह हा हा, मुझे क्या कहने भाई, लाजवाब पीस भी देखो गर्मा गर्म। आह हा हा, ये मैं जा रहा मेरे मुंह के अंदर भाई। भाई लाजवाब। हाँ मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। प्रॉपरली कुक्ड है ये, देखो भाई ये निशान होती है प्रॉपरली कुक चिकन की। ये देखो जो दिख रहा है आपको, ये प्रॉपरली कुक चिकन होती है, इसकी निशानी ये होती है। हल्का सा आपको वाइटिश दिखाई देगा अंदर। हाँ हाँ मज़ा आ गया भाई। ये तो हो गया हमारा पंजाबी स्टाइल। अब ये था तो सोफिस्टिकेटेड वाले लोग जो होते हैं ना उनकी तरह खाते तोड़ के, हल्का सा चटनी लेके चटनी ऊपर डाल के। आ हा हा हा, और ये देखो। आ हा, मज़ा आ गया भाई, क्या कहना है भाई, लाजवाब। इसे कहते हैं चिकन भाई। हाँ हाँ भाई, मेरा जबान तो रुक ही नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, ये लाजवाब भाई, लाजवाब। हाँ भाई चाट। हाँ भाई क्या कहने भाई, बहुत लाजवाब है ये। अब ये देखो, ये अपना तरीका है, ये डुबोया मैंने चटनी में। हाँ हाँ हाँ, ये देखो। भाई क्या कहने भाई, लाजवाब। इसे कहते हैं भाई प्रॉपर जंगली कुकर या जंगली चिकन, क्या कहने भाई। हाँ 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 भाई, देखो प्रॉपर कटा हुआ है, चिकन पीस भी बड़े बड़े हैं और काफ़ी रिलीजिंग भी है। हाँ 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 भाई, मज़ा आ गया। ये देखो, ये एक और बार ये मैंने कॉपी से डुबा रहा हूँ। फेवरेट है भाई, मज़ा आ गया भाई। तो आज से ये मेरा फेवरेट है, ये मैंने डुबोया। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने मुंह के अंदर, ये देखो। भाई मज़ा आ गया। भाई ये तो मज़ेदार था। अब आते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट पे, बटर चिकन। तो ये देखो, ये मैंने बटर चिकन लिया। ओ हो हो, क्रीम देखो भाई, प्रॉपर कुक देखो, क्रीम देखो। आ हा, लाजवाब लाजवाब। ओए होए, आ हा हा, टेंडर भी है, जूसी भी है। और बटर चिकन खाने का है, साथ में बटर नान तो होना ही चाहिए। ये मैंने बटर नान और ये बटर चिकन। ओ हो हो हो, ये मैंने तोड़ा। आए मज़ा आ गया भाई। ओए तेरी, आ जा। ओ हो हो, ये
देखो भाई प्रॉपर अंदर से कुक्ड किया हुआ, अंदर तक कुक्ड है चिकन, ये देखो ओहो, और ये देखो ये मेरे मुंह के अंदर है ना भाई लाजवाब भाई, मुझे पता है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको भी ऐसा खाना तो आप इधर आके जरूर खाइए। मेरे मुंह में खाना चिकन है, मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी, क्यों मज़ेदार हाँ भाई क्या करें ओहो, ये देखो ये एक और ले रहा हूँ, ये देखो ये मैंने लिया चिकन, और एक बात बताऊँ ये डूबा है हल्की सी ग्रेवी में, जो बटर नान है ना वो भी स्वादिष्ट है, ये देखो भाई लाजवाब, ये तो हो गया पर चिकन। अब हमारी बारी है तो पनीर यहाँ पड़ा है तो टेस्ट कर लेते, हालांकि मेरा फील्ड नहीं है पनीर का कि क्या करे, फूडी हूँ खाता रहता हूँ, देना भाई चम्मच कोई तो, ये देखो पनीर आए है, पनीर के टुकड़े भी देखो प्रॉपर टुकड़े दिए हुए उन्होंने, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, ये देखो ये मैंने लिया पनीर और ये मेरे प्लेट में, ओए होए ये देखो पनीर के टुकड़े देखो प्रॉपर, टमाटर भी दिख रहा है, कैप्सिकम भी दिख रहा है, हाँ, और ये बटर नान साथ में, पनीर लबाबदार और साथ में बटर नान, मज़े आ गए भाई, ये देखो और ये देखो भाई लाजवाब, क्या कहने, जो कैप्सिकम टमाटो की धनिया की जो टेस्ट आ रही है साथ में पनीर का सॉफ्टनेस, हाँ भाई लाजवाब, इससे कहते हैं प्रॉपर नॉर्थ इंडियन फूड, हाँ मज़ा आ गया, एक मिनट बताता हूँ, इतना लाजवाब डिश है भाई ये, आपका जंगली चिकन भी हो गया, बटर चिकन भी हो गया, पनीर लबाबदार भी हो गया, ये मोती महल का सबसे स्पेशलिटी डिशेस है, एक बार यहाँ पर ज़रूर आके खाइएगा, मैं तो खा लेता हूँ, आप भी एक बार जरूर आइए और खा के दिखाए, खा के और देखिए और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में हमारे, क्योंकि मैं उन्हीं जगह पे जाता हूँ जहाँ पे प्रॉपर खाना मिलता है, क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो, अब बंदा देख लो क्वांटिटी तो चाहिए चाहिए साथ में क्वालिटी भी चाहिए, तो एक बार ज़रूर आइए इस मोती महल के रेस्टोरेंट पर और ये ज़रूर ये डिश ट्राई कीजिए, खासकर ये जंगली चिकन, आप भाई साहब भूल जाओगे चिकन, बाकी सारी डिश तो आप भूल ही जाओगे, और यही आपका पर्सनल फेवरेट हो जाएगा जंगली चिकन, जिस तरह से प्रॉपरली कुक किया गया है, हाँ हाँ भाई क्या कहने लाजवाब, ये देखो एक और पीस ले रहा हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट बटर चिकन, ये देखो ओहो, ये बटर चिकन, तो मेरा खाना तो हो चुका है कंप्लीट यहाँ पे, तो जो चिकन मैंने खाया था उसकी जो ग्रेवी थी भाई साहब एकदम थिक थी, क्वालिटी और क्वांटिटी एकदम परफेक्टली मैच था, और ग्रेवी के क्या कहने भाई, वेज का ग्रेवी भी एकदम लाजवाब और चिकन का तो भाई बटर चिकन था, और एकदम प्रॉपर बटर चिकन मुंह में जाते ही आहा भाई, जबान पे लगते ही मज़ा आ गया भाई, स्वादिष्ट। अब मेरा खाना हो चुका है कंप्लीट, अब जाते जाते क्या करें, तो मोती महल वाले जो है यहाँ पे हमारे लिए डीलक्स जो है हर कस्टमर के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री गुलाब जामुन ज़रूर देते हैं जाने से पहले, तो अब ये देख सकते हैं गुलाब जामुन ये है, अब ये देखिए कितना सॉफ्ट है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी स्पेशल बोल बोल के हमें दिया हुआ है, ये देखिए ओहो भाई मैं कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ उसको खोलने में, ये देखो ये गया अंदर और ये हल्के हाथ से, ये देखो और ये मेरे
भाई लाजवाब। जो मोती महल है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि शेफ़ ने खुद अपने हाथों से इसको बनाया है, यानी कि कोई मिक्सिंग मसाले वसाले कुछ नहीं वापरे गए, कोई रेडीमेड आइटम नहीं है, हाथों से अपना गुलाब जामुन बनाया है। ये कोई हलवाई वाला आइटम भी नहीं है, ये प्रॉपर वो है जो 5-7 स्टार होटलों में मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही गुलाब जामुन है ये। हाँ भाई मज़े आ गए। ये इसकी चाशनी, हाँ भाई चाशनी भी उतना ही मीठा जितना गुलाब जामुन है, जाहिर सी बात है गुलाब जामुन ही खा रहा हूँ। ये देखो भाई कितना सॉफ्ट, ये देखो कुछ मेहनत नहीं, ये देखो आराम से कटा गया। भाई ये देखो मज़ा आ गया भाई, तुझे कहते गुलाब जामुन कंप्लीट। ये देखो इतना सॉफ्ट, मज़ा आ गया भाई लाजवाब। अब हो चुका हूँ फुल, अब आ रही है चलने की यहाँ से, और जाते जाते आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं घर जा रहा था, तो यहाँ पे घर जाते जाते इन्होंने जो है यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टर्लिंग का रिजर्व, एक ड्रिंक रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, और ये नॉर्मल प्राइस से भी जो रेस्टोरेंट का जो प्राइस है ना उससे 30% ऑफ पे दे रही है। जी हाँ 30% ऑफ पे ये पूरा बॉटल रेस्टोरेंट के प्राइस पे आपको मिल रहा है, 30% ऑफ जो रेस्टोरेंट का प्राइस है उसे 30% ऑफ पे आपको ये दिया जा रहा है ड्रिंक। तो अब मेरा खाना हो चुका है कम्प्लीट, अब मेरी जाने की बारी है, तो मैं यहाँ इसे जा रहा हूँ। और ये देखो भाई नीचे अलविदा।